नमस्ते। चैप्टर 40 40 भेरी योग। भेरी वर्ड सुना भी और अनसुना भी लग रहा है। भेरी का मतलब वो होता है रण भेरी बजना या दुदुम्बी बजना, इस तरह से होता है। बट वो जो से बड़े बड़े से मतलब एक पहले युद्ध में या किसी का स्वागत में से बड़े बड़े से नगाड़े होते और ऐसे बजाते थे जोर जोर से, तो उसी या बड़े ड्रम को समझ लीजिए भेरी कहते हैं। जो हमारा मीनिंग हमने आज तक जो निकाला है उसको ये कहते हैं, ठीक है। तो भेरी योग को समझते पहले सूत्र के अनुसार। इन बिटवीन मैं आपको उसके फायदे या ये भेरी योग आपके कुंडली में होगा तो उसका क्या फायदा होगा मैं आपको बता देता हूँ। कुंडली ओपन कर लीजिए आपकी। फायदे में ऐसा लिखा है, धन स्त्री पुत्र संयुक्त, मतलब धन भी होगा स्त्री, अब मतलब जो पार्टनर की बात चल रही है, पुत्र की बात चल रही है, ये सब होंगे अच्छे से और गुणवान भी होंगे ऐसा भी लिखा हुआ है। और जो इंसान होगा वो जिएगा अच्छा और थोड़ा सा बोलते हैं ना डंकी की चोट पे, तो ऐसे इस तरह से अच्छा जिएगा, इसके ऐसे श्लोक में लिखा हुआ है। सो हम आगे बढ़ते हैं हमारे सूत्र के साथ। सूत्र क्या कहता है और श्लोक क्या कहता है? भाग्य का स्वामी, नाइन्थ का मतलब भाग्य, भाग्य का स्वामी स्ट्रांग हो, अच्छी पोजीशन पे हो। अभी नवम भाव का स्वामी जो है, अभी इस केस में आप देखेंगे गुरु, गुरु अच्छी, गुरु के लिए अच्छी जगह कौन सी? एक तो स्वराशि में वो अच्छी जगह है, एक्साल्टेशन में वो अच्छी जगह है, और उसके अलावा मूल त्रिकोण राशि में हो तो भी अच्छी बात है, भाग्य में हो तो कुछ से बहुत अच्छी बात है। तो भी भाग्य का स्वामी नव का मतलब गुरु, धनु आगे नौ नंबर गुरु है वहां पे, तो गुरु गुरु अच्छी जगह पर स्थित होना चाहिए। अच्छी जगह कौन सी? क्वाड्रेंट्स आर वेरी गुड प्लेसेस फॉर गुरु, एज वेल एज आप कह सकते हो कि ये घर भी गुरु के लिए अच्छा है, ये घर सेल्फ गुरु के लिए अच्छा है। अब गुरु की अगर आप स्वराशि कहेंगे तो गुरु के लिए दो स्वराशियां होती है, एक नौ नंबर एक बारह नंबर, मतलब यहाँ पे हो तो भी अच्छी बात है, यहाँ पे हो तो भी अच्छी बात है, ताकि स्वराशि में हो गया। और एक खास बात है, मूल त्रिकोण राशि भी हमने हर ग्रह की चेक कर लेनी चाहिए। जैसे अभी गुरु की मूल त्रिकोण राशि है कर्क चार नंबर, तो यहाँ पे हो तो भी अच्छी बात है। तो इस तरह से लग मतलब नवम राशि का जो स्वामी, नवम भाव का जो स्वामी है, तो भाग्य जो है ये स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम भाग्येश को देख लेते हैं। जुपिटर और गियर हम लोग यहाँ पे जुपिटर कंसिडर कर लेते हैं, मूल त्रिकोण राशि है ही ऑलरेडी हमारी हिसाब से, सॉरी उच्च की राशि जो है कर्क है, तो हम उसमें कंसिडर कर लेते हैं। और एक दो सात और बारह, इसमें कोई ना कोई प्लैनेट रहने चाहिए। एक दो सात और बारह, एक दो सात बारह, इसमें प्लैनेट्स रहने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इट मे बी मार्स, इट मे बी सन, इट मे बी यहाँ पे कोई भी मान के चलिए एक वीनस हो या यहाँ पे कोई और प्लैनेट हो सैटर्न, तो यहाँ पे प्लैनेट्स होने चाहिए। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर राहु एंड केतु, उनको हम जब हम योगों की बात करते हैं जनरली, जो जनरल योग है तो उसमें राहु केतु को ध्यान नहीं दिया जाता, और जो स्पेशल राहु केतु के लिए योग है जैसे ग्रहण योग है तो उनके लिए बात की जाएगी। जो पूरे योग की बात करेंगे तब उसकी बातें जरूर होगी। तो ऐसे एक दो सात बारह में ग्रह होने चाहिए, उपस्थित होने चाहिए, तो ये योग बन जाता है। बट ये पहला वाला जो फॉर्मूला है इसका एक दोष क्या है कि उन्होंने सिर्फ प्लैनेट देखा पहले लाइन में। अब प्लैनेट का मतलब क्या हो जाता है ना, वहां मेलिफिक आएंगे तो उसका पावर कम होगा और राहु केतु ज्वाइन हो जाएंगे तो पावर कम होगा, तो इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सेकंड फॉर्मूले से हो तो काफी अच्छा है, क्योंकि इसमें जो है जुपिटर विनस एंड लग्नेश तीनों किसी भी लग्न के लिए बेनिफिक ही होते हैं। जुपिटर मतलब ये दो नेचुरल बेनिफिक और दोनों गुरु है, और लग्नेश बलवान, मतलब लग्नेश अगर अच्छी पोजिशन पे है
तो इस वेरी गुड पर फॉर्मूला ऐसा है कि म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में होना चाहिए। म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब भी समझा है, 1, 4, 7, 10। जैसे यहां से म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट, 1 का मतलब यही पे हो, 4 का मतलब चौथा, 7वां, 10वां। तो म्यूचुअल का मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल जुपिटर यहां पे है तो इसके लिए क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4 ये हुआ, फिर 7वां का कौन सा हुआ, 5, 6, 7 ये हुआ, 8, 9, 10 ये हुआ, फिर 1, 2, 3 मतलब फिर से सेम ग्रह पे आ गए इस तरह से। तो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट में तीनों ग्रह होने चाहिए। तो अगर फॉर्मूला नंबर सेकंड के हिसाब से चले तो अभी हम जुपिटर को ही भी पुट अप कर देते हैं, फॉर एग्जांपल क्योंकि नवम भाव का समय जुपिटर अच्छे ग्रह पे हम रख देते हैं तो जुपिटर से ही चलते हैं। जुपिटर का हम लोग एक काम करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं ताकि म्यूचुअल का मतलब समझ में आए। एक भी क्वाड्रेंट में है तो क्वाड्रेंट से क्वाड्रेंट पे जाएगा तो अच्छा एग्जांपल नहीं रहेगा। सो वी विल पुट जुपिटर और हम लोग जुपिटर को यहाँ पुट अप करते हैं। तो भाग्य का स्वामी भी आ गया, पहली चीज गुड हो गया। अब यहां से क्वाड्रेंट में चलते हैं, म्यूचुअल क्वाड्रेंट में विनस और लग्नेश होना चाहिए। लग्नेश कौन है, एक नंबर कौन, मंगल, एक नंबर मेष राशि, मंगल स्वामी, तो लग्नेश हो गया मंगल। तो म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए विनस और मंगल। तो आइदर ये मंगल और विनस यहाँ पे भी चलेंगे और 2, 3, 4 यहाँ पे मार्स चलेगा, यहाँ पे विनस चलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मार्स और विनस यहाँ पे हो तो भी चलेगा, विनस और मार्स यहाँ पे हो तो भी चलेगा। मतलब आइदर और केस म्यूचुअल क्वाड्रेंट्स में हो तो चलेगा इस हिसाब से। फिर पोजीशन जुपिटर की कोई दूसरी भी पोजीशन हो म्यूचुअल क्वाड्रेंट्स में तीनों हो तो ये योग बन जाता है। आप प्रैक्टिस एक बार कर लीजिए, सूत्र को समझिए, ये और है, आइदर दिस और दिस, तो इस हिसाब से आपका भेरी योग कंप्लीट होता है। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, उसके साथ आपको पता चलेगा। आप ये सब चीजें नोट डाउन भी कर सकते हैं, मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, आप आपके हिसाब से लिख लीजिए। दैट्स ऑल फॉर द डे। सो ऐसे हम लोग चैप्टर फिनिश करते हैं, चैप्टर 40। जय हिंद, जय भारत।